चलिए तो इसी पे शुरू कर लेते एक और बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंजाब से खबर है जहां पर गोविंदवाल जेल में गैंग वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, तो लाशों के पास खड़े होकर गैंगस्टर ने मनाया जश्न। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी है ये सभी, और ऐसे में जश्न मनाते हुए नजर आया है। लाशों के पास खड़े होकर गैंगस्टर ने जश्न मनाया है, तो ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये गैंग वॉर जो सामने आई है, ये तस्वीरें देखिए, गोविंदवाल जेल में गैंगवार का ये वीडियो सामने आया। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है, बाकायदा वीडियो वायरल करते हुए ये जिम्मेदारी ली गई है। लाशों के पास खड़े होकर गैंगस्टर ने यहाँ पर जश्न मनाया है। ये तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाशों के पास खड़े होकर गैंगस्टर ने जश्न मनाया, और ये वीडियो जो है वो सामने आई है। तो पंजाब का ये पूरा मामला, गोविंदवाल जेल में गैंगवार का वीडियो देखा गया। राम राम भाइयो, जय भिखारी। मैं सचिन भिवानी, ठीक है। ये जग्गू के बंदे थे, ठीक है, बदमाशी इन्हें दिखा दिया। ये जो गुंडे थे ना, जो जग्गू भगवान पर यार बाप मानते थे कि देखो देखो जनाब, ये तूफान है, ये अपना भाई है, बदमाशी करी थी ना जग्गू भगवान पर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी है ये सभी, और लाशों के पास खड़े होकर गैंगस्टर ने जश्न मनाया है। और ऐसे में आप कई तरह के सवाल या निशान भी खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जेल के भीतर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, और उसके बाद बकायदा इसका वीडियो वायरल किया गया, तो जेल प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होना लाजमी है। तो लाशों के पास खड़े होकर गैंगस्टर ने जश्न मनाया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी है ये सभी, और बकायदा आपने जिस तरीके से, हम लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न मनाते हुए और